बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, तो इसकी एपिसोड नंबर 12 जो कि नशर होनी थी, बदकिस्मती से ये नशर नहीं हो सकी। इसका क्या रीज़न हो सकता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसके ऊपर जो रिव्यू का सिलसिला है हमारा, उसमें हम आपको बताते चलें कि ये हमज़ा है जनाब, जो कि अबीर को ऐन शादी के दिन छोड़ के भाग गया, और अब अबीर से जैसे ही वो घर में मिलने आता है अपनी नई मंगेतर के साथ, जो कि अकलौती है सेठ साहब की बेटी, बड़ा मुर्गा इसके हाथ लगने वाला है। और अब ये तंजिया अबीर से कह रहा है कि तुम्हें क्या मिला हन्नान से शादी करने के बाद, वो तो बटा हुआ आधा इधर आधा उधर और आधा आपके पास। लेकिन अबीर का कहना ये था कि वो तुम्हारे से कई दर्जे बेहतर है। ये जनाब वो उसको समझाने की नाकाम कोशिश करते हुए और मुख्तलिफ हीले बहाने, और ये अब दोनों हनान के साथ हमजा भी खड़ा और उसको बता रहा है कि यार तू मेरी छोड़ी हुई चीज़ उठा लेगा, ओ यार मर्द बनो, वो तो किसी की जूठी रोटी नहीं खाते। और तुम मीनवाइल जो है अबीर वहाँ पहुँच गई, और अबीर का कहना ये था कि ये इंसान बिल्कुल सच्चा है। दूसरी तरफ सेठ साहब ने जनाब बुलाया है हमज़ा को, उसको वार्न किया है कि अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारी तरफ से रिश्ता ना आया तो मैं अपने एक दोस्त के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। अब ये जनाब बिगी बिल्ली बना खड़ा है हमज़ा, जो कि भरपूर कोशिश करेगा। दूसरी तरफ ये उसकी बिगड़ी हुई अकलौती बेटी सेठ साहब की, जो कि नहायत ही टेंशन में, और ये अबीर है जनाब और बता रही है हन्नान को कि क्या तुम सारा को भूल गए? नहीं ना, तो मुझे भी हमज़ा को, मैं तो हमज़ा को भूल चुकी हूँ, इस मौजू पे हम बात न करें तो बेहतर है, ना तुम भूले ना मैं भूले, तो छोड़ो यार आगे चलते हैं। ये दोनों में जनाब कशमकश जो हो रही थी, और उसके बाद बड़े ही मज़े की एपिसोड जो नंबर 12 अभी तक नशर नहीं हुई, तो ये जनाब नशर होने वाली है। और फिर इसके ऊपर भी रिव्यू हम आपको देंगे, आप उसको लाइक करते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नोबी भाई का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दिलजर नोमी भाई ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है जनाब, और इसको आप लाइक करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नोमी भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।